दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको चौंका देंगी, इसीलिए अभी तक अर्थ के बारे में भी खोजतछ चालू है। जब हम कुछ अजीब और अनोखी चीज देखते हैं तो यही समझते हैं कि ये नेचुरली बना होगा, पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है। हम आज आपको कुछ ऐसे इंसानों के बनाए हुई चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको लगता है कि नेचर मेड है। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। द एंटायर अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन एक बहुत बड़ा जंगल है और वहाँ अलग अलग तरीके के ट्रीज और जानवर के रहने की भी जगह है। अमेजोन को सबसे डेंस और लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट माना जाता है। पर क्या आपको पता था कि अमेजोन जंगल को इंसानों ने बनाया है? वहाँ 10% प्लांटेशन और कैनल्स इंसानों ने बनाए हैं। येलोस्टोन नेशनल पार्क, मॉर्निंग ग्लोरी हॉट स्प्रिंग। येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि येलोस्टोन अपर गेजर बेसिन यूनाइटेड स्टेट्स में है, इसके कलरफुल टेक्सचर देखकर कोई भी इसे नेचुरली बना हुआ है ऐसा समझ सकता है। पर मैं आपको बता दूं कि ये हॉट स्प्रिंग में बहुत पहले से इंसानों ने इसमें पैसे, पत्थर और कचरे फेंक कर इसका कलर चेंज कर दिया है। ये पहले ब्लू और डल कलर का था, पर अभी अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको 3-4 अलग अलग कलर में दिखेगा। पर अभी ये और भी ज्यादा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया है। अर्थक्वेक्स और सुनामी। अर्थक्वेक्स, हम सभी को ये लगता है कि अर्थक्वेक्स नेचर से होते हैं, पर अर्थक्वेक्स और सुनामी दोनों अर्थ क्रस्ट पे हो रहे ट्रेमर्स की वजह से होते हैं। जैसे जैसे इंसान अर्थ को खोदते रहता है, उसके मिनरल्स और रिसर्चेस के लिए उतने ही क्रस्ट अनस्टेबल हो रहा है, और शायद इसीलिए अर्थक्वेक्स और सुनामी का रेट और भी ज्यादा बढ़ रहा है। पर्ल्स। पर्ल्स पहले नेचुरल मेड होते थे, पर आजकल मार्केट में पर्ल का डिमांड बढ़ने से स्पेशलाइज्ड पर्ल फ्रेमर्स पर्ल्स को बनाने लगे हैं। बहुत सारे शेल्स कनेक्ट किए जाते हैं सी से और उन्हें कट करके ऑयस्टर में कल्टीवेट किए जाते हैं, फिर जाकर पर्ल बनाया जाता है। अभी आर्टिफिशियली या मैन मेड पर्ल्स ज्यादा मिलते हैं नेचुरल पर्ल्स के कंपैरिजन से। स्मॉग। स्मॉग और फॉग दो अलग अलग चीजें हैं। फॉग वो है जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो कम डिग्री या फ्रीजिंग लेवल के वक्त आते हैं। स्मॉग इंसानों के बनाया हुआ एयर पोल्यूशन है। स्मॉग चीजें जलने से यानी कि धुआं निकलता है या कोई चीज बर्न करते हुए निकलती है, उसको स्मॉग कहते हैं, जो कि मैन मेड है। सारे डोमेस्टिक एनिमल्स। हमारे आसपास के जो जानवर है वो भी मैन मेड है। जैसे कि पहले मुर्गी का शरीर छोटा था, पर इंसान ने मुर्गी पर म्यूटेशन किया और उसे आकार दिया। टर्की जो आजकल हम देखते हैं, उसे 99% इंसानों ने मेटिंग करके बनाया है। मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमें बचपन से अलग अलग कहानियाँ और बहाने बनाकर फ्रूट्स और स्पेशली वेजिटेबल्स खिलाए जाते थे। हेल्दी और नेचुरली मेड समझ कर हम इसे खा लेते थे। पर क्या आपको पता था कि ये सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इवॉल्व हुए हैं? इंसानों ने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने के आकार में उगाया है, इसीलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी मैन मेड हो जाते हैं। डायमंड्स। ज्यादातर डायमंड्स नेचुरली मेड ही होते हैं, उन्हें जमीन में से खोद कर निकाला जाता है, पर कुछ 10% डायमंड लैबोरेटरीज में भी बनाए जाते हैं, और अगर आपके सामने आर्टिफिशियल डायमंड्स को रख दे तो आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे कि इसमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा है। फ्लाई गीजर। फ्लाई गीजर इंसान और जियोथर्मल प्रेशर के मिलने से बना है। इंसान उन्हें पानी निकालने के कुएं बनाने के लिए ड्रिल करते समय उन्हें कुछ 200 डिग्री जियोथर्मल वाटर मिला और उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। थोड़े साल बाद इवोल्यूशन के वजह से फ्लाइज गीजर का निर्माण हुआ। क्लाइमेट चेंज। मौसम का बदलना भी मैनमेड है, क्योंकि इंसानों के किए हुए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बायोटेक प्रोसेसेस, सोलर रेडिएशन के वेरिएशंस जो अर्थ को मिलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स और वोल्केनिक इरप्शंस के वजह से क्लाइमेट चेंज होते हैं। तो दोस्तों, यही थे कुछ फैक्ट्स जो आपको लगते थे कि है नेचर मेड बट असल में है मैन मेड। अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कुछ जानकारी है तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।